सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2020 पर आज यानी कि मंडे को हुई थी बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, जिस पर गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल 2020 शेड्यूल से रिलेटेड चार बहुत ही चौंकाने वाले डिसीजन लिए हैं। जो डिसीजन उन्होंने पहले ले लिए थे उन सभी डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया है। क्या है वो डिसीजन, क्या है वो फैसले, सभी के सभी डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि सभी के सभी डिसीजन फाइनल है, ये डिसीजन अब चेंज नहीं होने वाले हैं। नहीं, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बात करें सबसे पहली न्यूज़ की। जो सबसे पहली न्यूज़ बीसीसीआई की तरफ से दी गई है वो दी गई है टाइमिंग से रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा कि एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने कुछ टाइम पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि इस बार आईपीएल 2020 के मैचेस सारे साल में शुरू होने वाले हैं। और मैंने भी आपको कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ में काफ़ी बार बताई थी, लेकिन अब ये डिसीजन है, इस डिसीजन को चेंज कर दिया गया है। इस डिसीजन के खिलाफ बहुत सारी टीमें थी, टीम का कहना यही था कि जो ट्रेडिशन है उसको ही फॉलो करना चाहिए। वह स्टार स्पोर्ट्स जो थी उनका ये कहना था कि अगर मैच देरी से शुरू होते हैं तो मैच देरी से ख़त्म हो गए, जिसके वजह से हमें व्यूवरशिप का नुकसान होता है और हमारे रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसी के वजह से स्टार स्पोर्ट्स ने ये कहा था कि आप लोग मैचेस या तो 7 बजे या फिर 7:30 बजे शुरू करो। और अब फाइनली बीसीसीआई ने इसके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया है और गवर्निंग काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि इस बार भी पहले के तरह सारे के सारे मैचेस 8 बजे से शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कंफर्म और फाइनल डिसीजन है, आईपीएल 2020 के मैचेस 8 बजे से ही खेले जाएंगे। जो दूसरा डिसीजन है जो गवर्निंग काउंसिल की तरफ से लिया गया है वो लिया गया ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने तो आपको बहुत टाइम पहले ये बता दिया था कि इस साल आईपीएल 2020 में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने वाली। बीसीसीआई का ये कहना था कि इससे पैसों की बर्बादी होती है और बीसीसीआई ओपनिंग सेरेमनी के जगह ऑल स्टार गेम कराने वाली है, जिसके अंदर टॉप इंटरनेशनल प्लेयर मैच खेलेंगे। दो टीमें होगी जो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी, एक चैरिटेबल मैच होने वाला, इससे जितने भी रेवेन्यू अर्न होगी वो सारे खेल चैरिटी में जाएगी। इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाली है, इसमें मैं आपको A to Z इस मैच से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो उस वीडियो के बाद देख रहे हैं तो आपको आई बटन में वाली वीडियो मिल जाएगी, आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे डिसीजन की जो बीसीसीआई की तरफ से ली गई है। वो ली गई है आईपीएल 2020 फाइनल से रिलेटेड, जहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आईपीएल 2020 का जो फाइनल है वो अहमदाबाद के मोतिहारी स्टेडियम में होने वाला है, क्योंकि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। और ऐसा ही माना जा रहा था कि आईपीएल फाइनल को वहाँ करा के उस स्टेडियम का प्रमोशन भी करना चाहती है बीसीसीआई, लेकिन सौरभ गांगुली ने ये फाइनली अनाउंस कर दिया है कि आईपीएल 2020 का जो फाइनल है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। यानी कि जो पहला का ट्रेडिशन था जिसके अंदर जो टीम जीतती थी उसी के होम स्टेडियम में नेक्स्ट फाइनल होता था, तो उसी को बीसीसीआई ने फॉलो किया है और मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड यानी कि वानखेड़े में होने वाला है आईपीएल 2020 का फाइनल। जो चौथा डिसीजन और जो बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन है जो बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है वो लिया गया है डबल हेडर से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से मैं नहीं बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग आपको यही कह रहे थे कि आईपीएल 2020 में कोई भी डबल हेडर्स नहीं होंगे। स्टार स्पोर्ट्स और बीसीसीआई का ये कहना था कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने ये फाइनली कंफर्म कर दिया है कि इस साल भी 5 डबल हेडर्स मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह का शेड्यूल बनाया गया है उस हिसाब से मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको डबल हेडर्स मैच रखने ही होंगे, और इसी के वजह से डिसाइड हो चुका है कि 5 डबल हेडर्स मैच होने वाले हैं। तो ये तो थे वो 4 डिसीजन जो अभी अभी बीसीसीआई और गवर्निंग काउंसिल के द्वारा ली गई है। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।